तो दोस्तों आलोक इंडस्ट्री ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर, क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है शेयर प्राइस अभी के समय पे। चलिए देखते हैं नंबर्स क्या है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में क्या होता है, पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1698 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 2129 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट हुआ था, जबकि इस क्वार्टर में देखें तो 1705 करोड़ के आसपास कंपनी का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। तो क्वार्टर क्वार्टर बोले तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू ऑलमोस्ट फ्लैट है, लेकिन साल दर साल देखें तो साल दर साल फिर से एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। अप्रोक्सीमेटली 20% के आसपास की गिरावट है साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। चलिए कंपनी का एक्सपेंस देख लेते हैं क्या है। पिछले क्वार्टर में 1920 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 2142 करोड़ खर्च किए थे, जबकि इस क्वार्टर में 1959 करोड़ कंपनी ने खर्च किए थे। यहां पर भी दिक्कत आ रहा है कि क्वार्टर क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू फ्लैट है, लेकिन क्वार्टर क्वार्टर देखा जाए तो कंपनी के एक्सपेंस के अंदर अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट देखते हैं क्या बना है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट क्या था, पिछले क्वार्टर में 191 करोड़ का लॉस था कंपनी को। पिछले साल कंपनी बस 9 लाख के लॉस में थी, जबकि इस क्वार्टर में देखा जाए तो लॉस फिर बढ़ के 249 करोड़ के आसपास आ चुका है। तो फिर से कंपनी का लॉस बढ़ चुका है, मुझे पता नहीं कि क्या हो रहा है इस शेयर के अंदर। ईपीएस की बात करें तो ईपीएस के अंदर भी अच्छी खासी गिरावट क्वार्टर क्वार्टर साल दर साल देखने को मिली है। हर क्वार्टर मतलब रिटेल इन्वेस्टर हर क्वार्टर सोचता है कि एक अच्छा नंबर आएगा, हर क्वार्टर सोचता है कि अच्छा नंबर आएगा। पिछले 2.5 साल से अच्छा नंबर सोचते आ रहे हैं रिटेल इन्वेस्टर, लेकिन हर क्वार्टर में कंपनी की तरफ से घटिया रिजल्ट आता रह रहा है। मतलब समझ नहीं आ रहा है कि कंपनी हर क्वार्टर कैसे अपने नंबर्स को और पुअर से पुअर ला सकती है। ये मतलब अद्भुत है, ये मतलब आलोक इंडस्ट्री से सीखना चाहिए कि हर क्वार्टर अपने नंबर को कैसे खराब करे, ये आलोक इंडस्ट्री से सीखना चाहिए। नंबर देखें तो इस क्वार्टर में फिर से पिछले क्वार्टर से भी खराब है, और साल दर साल तो कंपेयर ही मत कीजिए क्योंकि साल दर साल बहुत ज्यादा खराब है। तो देखते हैं मार्केट इसको कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि शेयर ऑलरेडी बहुत ज्यादा लो पे चल रहा है, अप्रोक्सीमेटली 15 रुपए के आसपास है। तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा कुछ गिरावट होगी, हाँ 2-4% की गिरावट आ सकती है, लेकिन फिर से नीचे से बाइंग आ जाएगी। तो जिनके पास शेयर है देखिए क्या कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बेचना भी बेवकूफी होगी, होल्ड करना मेरे हिसाब से बेहतर ऑप्शन हो सकता है। तो देखिए नंबर थोड़े से है, लेकिन क्या कीजिएगा, होल्ड करना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। तो बस आज के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।